हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। भी के सी यू के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2023-27 में 4 वर्षीय CBCS पैटर्न पर नामांकन लिए थे, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। एक बच्चे का डिटेल्स में फॉर्म भर के दिखा देंगे, ऐसे ही आपको घर बैठे स्टेप बाई स्टेप फॉर्म को भरना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से, पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है जिसमें 108,000 से ऊपर स्टूडेंट है। यही एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल stresult.com का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। देखिए, कहीं भी आप जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो छात्र छात्राओं को बताइए एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल stresult.com वेबसाइट पल पल का अपडेट देता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखा देंगे। आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करती है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, गूगल पर सर्च करना है stresult.com stresult.com। यहाँ से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU आरा। यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलता है। VKSU आरा सिलेबस से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसे ही आपका 8 सेमेस्टर होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पहले होता था, अब फोर्थ ईयर भी आपका ऐड हो गया है, तो अब आपका 8 सेमेस्टर होगा। न्यू CBCS पैटर्न है, तो इसका भी सिलेबस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो लेटेस्ट पोस्ट होता है, जो छात्रों को दिक्कत ना हो, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो, तो सबसे ऊपर में ही डाल दिया गया। यहां पर आपको कर देना है क्लिक। यहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए, यहां पर 600 रुपया लग रहा है। अब बहुत सारे छात्र छात्रा बोले कि रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ पे डालें, मोबाइल नंबर पे डालें और सेंड OTP पर क्लिक कर दें, OTP नहीं आ रहा है। तो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, पैसा कितना लग रहा है, तो 600 आपका पैसा लगेगा, ध्यान देना है। और 4/1/2024 से ये फॉर्म शुरू होने वाला था, नोटिस आया था, लेकिन आज 6/1/2024 से लिंक एक्टिव हुआ है। 10/1/2024 आपका अंतिम तिथि है। इसको शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, छात्र छात्रा परेशान है। देखिए, एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन क्लिक हियर पर, अभी आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, आप डालिएगा, सेंड OTP पर क्लिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट परेशान थे, तो हम लोग आप लोग के लिए पूरा समाधान लेके आए हुए हैं। आप लोग का एक एक सॉल्यूशन का यहाँ पर आपको मिलता है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है तब, अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है जो आप एडमिशन के समय दिए होंगे, तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ पर ग्रीन वाला पर, और यहाँ पर लिख देना है पूर्व या वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो यस कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कार्ड कॉलेज में जाके लिए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर को 23 से करके होगा, यहाँ पर चलिए डालते हैं। का मोबाइल नंबर आ गया, अब चलिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, मोबाइल नंबर भी पता हो गया। अब चलिए बैक आते हैं stresult.com वेबसाइट पर, जहाँ से आप लोग पार्ट वन का फॉर्म भर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक हियर पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर भी आपको पता चल गया है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके चलिए सेंड पर क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पंजीयन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के सेंड पर क्लिक कीजिएगा, देखिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड चला गया। तो ये ट्रिक था यूजर आईडी और पासवर्ड मंगाने का। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया कि कैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। तो कैसे आएगा आप समझ गए होंगे। अब चलिए, यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया, तो चलिए अब लॉगिन करते हैं। तो चलिए stresult.com के वेबसाइट पर आ गए, पोस्ट पर, जिससे हम लोग पार्ट वन का फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं 23-27 का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है लॉगिन, यहाँ पर क्लिक हियर पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चलिए, यूजर आईडी
और पासवर्ड आपके मोबाइल पर चला गया होगा। चलिए यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल दिया है, यूजर आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। अब चलिए आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए पूरा आपका विवरण आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा विवरण आ गया। 600 रुपये आपका लग रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। 600 रुपये आपका लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म एंड पे पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप पेमेंट, यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर कोई भी मेथड से आप पेमेंट करके प्रोसीड कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद ये प्रिंट निकाल लीजिए। चलिए प्रिंट कैसे निकालना है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। देखिए जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट किए हैं उसका एक पेमेंट रिसिप्ट रहता है, एक आपका अप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों को प्रिंट रख लेना है, प्रिंट निकाल लेना है और डॉक्यूमेंट अटैच करके कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना है। क्योंकि याद रहे अगर ये ऑनलाइन फॉर्म आप कॉलेज में जाके वेरीफाई नहीं कराइएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। कैसा लगा हमारा अपडेट, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट हो गया है, यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन आ गया 600 का। ये देखिए ये पेमेंट स्लिप है, ये पेमेंट स्लिप को चलिए यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करते हैं। तो देखिए पेमेंट का तो आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लिए, अब देखिए फॉर्म का रिसिप्ट कैसे डाउनलोड होगा। फिर से आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब लिखेगा प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके इसको PDF के माध्यम से, देखिए ये पूरा फॉर्म है, यहाँ से PDF के माध्यम से ये पूरा फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।